गोकुलपुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग बहुत ही पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहे थे। जहां हर गांव शहर में तब्दील हो रहा था, वहीं पर किसी भी सरकार ने गोकुलपुर पर ध्यान ही नहीं दिया। ना अच्छे सड़क, ना ही कोई ट्रेन की सुविधा थी वहां। उसी गांव में संजय नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी मीना भी रहती थी। गांव में हॉस्पिटल न होने की वजह से संजय को मीना को हमेशा अपने बैलगाड़ी में दूसरे गांव ले जाना पड़ता था, जिससे मीना को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। मीना, अब तो समय के साथ बैलगाड़ी में जाना और आना और कठिन हो गया है। अगर एक ट्रेन की सुविधा इस गांव में होती तो एक गांव से दूसरे गांव जाना कितना आसान होता, पर कोई सरकार हमारे गांव की तरफ देखता भी नहीं है। मैंने सरकार को इस विषय पर कई सारे पत्र भेजे, पर सरकार ने आज तक कोई उत्तर नहीं भेजा। आज गांव में इस विषय को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। तुम आराम करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ना सरकार ढंग का रास्ता बना रही है और ना ही ट्रेन की सुविधा दे पा रही है। इतने पत्र सरकार को भेजने के बाद भी एक भी उत्तर वहां से नहीं आया। उन्हीं गांव वालों के बीच रमेश नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जो कि गांव का मुखिया बनना चाहता था। अरे कोई बात नहीं मुखिया जी, हम एक गांव से दूसरे गांव बैलों से भी तो जा सकते हैं। हमें ट्रेन या रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मुखिया जी, मेरी पत्नी मीना गर्भवती है और अस्पताल दूसरे गांव में है, और वहां जाने के लिए हमें पहाड़ों वाले रास्ते से जाना पड़ता है, और उसमें बहुत खतरा है, और साथ ही साथ तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तुम्हारी बैलगाड़ी ही खराब होगी, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही होगी। नहीं रमेश, संजय ठीक कह रहा है, गांव के लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने में तकलीफ तो होती है। ये सुनकर कि मुखिया संजय का साथ दे रहा है, रमेश आग बबूला हो गया। फिर संजय साहब, अब ये भी बता दीजिए कि इस समस्या से हम निकले कैसे। हम सारे गांव वासियों को मिलकर सरकार को खत लिखना चाहिए, फिर उन्हें हमारे खत का जवाब देना ही पड़ेगा। भेजते रहो खत, इतने खत हम पहले ही भेज चुके हैं, उनका तो कोई उत्तर आया नहीं। मुझे तो लगता है कि सरकार हमारे खतों को रद्दियों में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रही है। बात तो ये भी है संजय कि इतने खत हम पहले ही लिख चुके हैं, उनका भी अब तक कोई उत्तर नहीं आया। ये सुनकर संजय निराश हो गया। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मुझे और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन इस गांव में कहीं भी ये दवाइयाँ नहीं मिलती। तुम आराम करो मीना, मैं अभी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे गांव जाकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। संजय अपनी बैलगाड़ी में बैठता है और तुरंत दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जिसके हाथ में पाइप से बनी हुई छड़ी होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ों के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा होता है। संजय उसे देखकर कहता है, चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से दूसरा गांव बहुत दूरी पर है, आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आ जाइए, मेरी बैलगाड़ी पर बैठ जाइए। वो बूढ़ा व्यक्ति संजय के गाड़ी में बैठ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति संजय का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई चिंता सता रही है? अब क्या बताऊं चाचा जी, मेरे गांव में एक बड़ी समस्या है। हमारे गांव में ना ही अस्पताल है और ना ही कोई सुविधा। हमें हर काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन काम है। मैंने सरकार को ट्रेन के लिए इतने सारे खत लिखे, पर सरकार की तरफ से एक भी खत का उत्तर वापस नहीं आया। ऊपर से हमेशा एक डर सर पर रहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे हर महीने अस्पताल ले जाना और लाना पड़ता है। उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बस एक ट्रेन की सुविधा गांव में हो जाती तो सब ठीक हो जाता। संजय ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। थोड़ी ही देर में
वो लोग दूसरे गांव पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर तुम ये मेरी पाइप की छड़ी रख लो। ये कोई ऐसी वैसी पाइप नहीं है, ये पाइप मुझे एक संत ने मेरी ईमानदारी को देख कर दिया था। इस पाइप को तुम जमीन में गाड़ दो, अगले दिन ये तुम्हें कई सारे पाइप देगा, जिससे तुम जो चाहे वो बना सकोगे, और ये तुम्हारे गांव की रक्षा भी करेगा। ये सुनकर संजय को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी संजय ने वो पाइप ले लिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। संजय दवाई लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो मीना, दवाई खा लो। मीना संजय के हाथ में पाइप देखकर पूछती है, ये आपके हाथ में किस तरह का पाइप है जी? ये पाइप मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने दी है। संजय अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताता है जो उसके साथ घटी थी, जिस पर मीना कहती है, आप आज ही इस पाइप को जमीन के नीचे गाड़ दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये पाइप जादुई है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर ये बात सच हुई तो गांव का कल्याण हो जाएगा ना? ये सुनकर संजय पाइप को जमीन में गाड़ देता है और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वहाँ एक पेड़ पर कई सारे पाइप लगे होते हैं। इसे देखकर संजय हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये तो सच में जादुई पाइप है, मैं अभी जाकर मुखिया और सारे गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। संजय मुखिया और गांव वालों को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिस पर मुखिया कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मगर हम इतने सारे पाइप का करेंगे क्या? ये पाइप ऐसी वैसी पाइप नहीं है, इस पाइप से हम जो भी बनाएंगे वो चीज बन जाएगी। लेकिन हम इसे क्या बनाने वाले हैं? हम सब मिलकर इस पाइप से एक ट्रेन बनाएंगे जो हमें दूसरे गांव से जोड़ कर रखेगी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए और ट्रेन बनाने लगे। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन बनकर तैयार हो गई। वाह, इस ट्रेन के बाद अब हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सामान लाना ले जाना सब आसान हो जाएगा और इस गांव की प्रगति भी होगी। सही कहा आपने। ये देखकर रमेश को जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो हंसते हुए कहता है, ये देखो पाइप से ट्रेन बनाई है, कभी तुमने सुना है पाइप के ट्रेन के बारे में? ये ट्रेन चलेगी ना? वो तो जब हम इसमें बैठेंगे तो पता चल जाएगा रमेश। संजय सारे गांव वालों को बुलाकर कहता है, आओ सब अब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। जिस पर रमेश कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा इस ट्रेन में, ये चलने वाली नहीं है, पता चला कि ये टूटकर हम पर ही गिर गई। रमेश ने लोगों को डराने की कोशिश की और कई सारे लोगों ने ट्रेन में पहले बैठने से मना कर दिया। नहीं नहीं मैं भी नहीं बैठूंगा इसमें। हाँ मैं भी नहीं बैठूंगा, पता नहीं कब कौन सा अनर्थ हो जाए। ये सुनकर मुखिया रमेश पर क्रोधित हो उठा, अगर तुम्हें नहीं बैठना तो मत बैठो, गांव वालों को डरा कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमेशा सत्ता हासिल करने के पीछे पड़े रहते हो, पर कभी अपने दिल से इस गांव के बारे में भी सोचा करो। जाने दीजिए मुखिया जी, हम ट्रेन में बैठते हैं, देखते हैं कि ये रमेश सही है या फिर मैं। जैसे ही लोग ट्रेन में बैठते हैं वैसे ही ट्रेन चलने लगती है और सारे लोग खुशी से भर जाते हैं। फिर सारा गांव ट्रेन का इस्तेमाल करता है, पर ये सब देखकर रमेश एक बार फिर आग बबूला हो जाता है। ये ट्रेन जब से आई है तब से सभी गांव वाले इस मुखिया और संजय की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी इस गांव का सरपंच नहीं बन पाऊंगा। रमेश कुछ गांव के लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है, मुझे ये ट्रेन, मैं किसी भी हाल में इस ट्रेन को इस गांव में चलने नहीं दे सकता। हम आज ही रात जब सब सो जाएंगे तो इस जादुई पाइप की ट्रेन पर तेल डालकर आग लगा देंगे और फिर जब मैं मुखिया बनूंगा तब तुम सबको एक अच्छी नौकरी दे दूंगा। ये सुनकर वो लोग रमेश के साथ हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है
वैसे ही रमेश और वो लोग ट्रेन में तेल लेकर घुसते हैं और फिर रमेश कहता है, बहुत पाइप की ट्रेन कर रहे थे ना, आज इसका काम यहीं तमाम कर देता हूँ। पर जैसे ही रमेश और वो लोग पाइप के ट्रेन में आग लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ट्रेन के कुछ पाइप जादुई तरीके से बाहर आकर उन्हें पीटने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये कैसे, ये तो नामुमकिन है। फिर वो पाइप ट्रेन में ही जेल बनाकर उन्हें कैद कर लेती है। और जब अगली सुबह होती है तो संजय और मुखिया ट्रेन में चढ़ते हैं और रमेश को कैद देखते हैं। अरे ये क्या, तुम और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया मुखिया जी, इनके हाथों में तेल है, जरूर ये लोग इस ट्रेन को नुकसान पहुँचाने आए होंगे। तब मुखिया रमेश से पूछता है, क्या ये बात सच है रमेश? नहीं ये बात सच नहीं है, मैं तो सिर्फ इस ट्रेन में बैठने आया था। जैसे ही रमेश ये झूठ बोलता है, वैसे ही एक पाइप उसके सिर पर पड़ती है। नहीं ये सच नहीं है, वरना ये पाइप की ट्रेन ऐसा नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी और संजय, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था और इस ट्रेन को जलाने वाला था। मुझे मेरे किए पर पछतावा है, मैं फिर ऐसा कुछ कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर गाँव वाले चिल्ला कर कहने लगते हैं, गांव से निकाल दो इसे। रमेश तुम आज और इसी वक्त इस गांव से निकाले जाते हो। मुखिया जी मुझे लगता है हमें रमेश को एक और मौका देना चाहिए, उसे उसके किए पर पछतावा है। ये सुनकर मुखिया कहता है, अगर तुम कहते हो तो रमेश को एक मौका और देते हैं, पर ध्यान रहे रमेश, अगर ऐसी गलती वापस हुई तो तुम्हें इस गाँव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर रमेश सबसे माफी मांगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संजय। कोई बात नहीं रमेश, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, मैं बस इसी बात से बहुत खुश हूँ। बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है, बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है, ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं, साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो, अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ, कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती है तो देखती है कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो अब यही देखना बाकी रह गया था, जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा, अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी। टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है, हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, है पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा, ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है, मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा, जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है,
पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो एक साल होने को है, अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? एक साल बीत चुका है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है, सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा, कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम चार लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ, मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है, पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है, पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं।
अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था, और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है।